भारतीय गणतंत्र की डायमंड जुबली होने के साथ ही कल देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई। केंद्र सरकार ने इस बार 5 विभूतियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। पद्मश्री की लिस्ट में इस बार देश की पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ और झारखंड के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव जैसे गुमनाम नायकों के नाम भी शामिल रहे। उत्तराखंड से इस बार इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच का नाम शामिल है, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। कई किताबों के लेखक डॉक्टर कटोच रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जो वर्तमान में पौड़ी जिले के चौनकोट में स्थित अपने गाँव मासों में रहते हैं। बारामासा के कई कार्यक्रमों में भी आपने डॉक्टर कटोच की किताबों का रेफरेंस कई बार सुना होगा। हम सब की तरफ से डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को इस पुरस्कार की हार्दिक बधाई। उनका नाम पद्मश्री की लिस्ट में आने से उत्तराखंड का पूरा समाज गौरवान्वित हुआ है। बावजूद इसके, इस बार की पद्म अवार्डी लिस्ट भी उत्तराखंड के लाखों लोगों के दिलों में फिर से वही टीस पैदा कर गई जो पिछले कुछ सालों से ही नहीं बल्कि दशकों से पैदा हो रही है। वो टीस है इस लिस्ट में हमारे समय के सबसे लोकप्रिय जनपक्षीय गीतकार, लोक गायक और लोक नायक नरेंद्र सिंह नेगी का नाम न होने की। यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर दें कि उत्तराखंड में अब तक जितने भी लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं वे निश्चित ही इसके हकदार रहे हैं। उनके चयन पर संदेह करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या उत्तराखंड के समाज को आकार देने में नेगी जी का योगदान इसमें से किसी से भी कम रहा है? आपको याद होगा कि यूपीए 2 सरकार के दौरान फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को भी पद्मश्री मिल चुका है। तब ये सवाल तक उठने लगे थे कि ये पुरस्कार मूल रूप से इतर सेवाओं के बदले दिए जाने लगे हैं। कम से कम तत्कालीन चयन समिति और खुद सैफ अली खान ये दावा नहीं कर सकते कि उनका सार्वजनिक जीवन में दिया गया योगदान नेगी जी से अधिक हो, बल्कि ये तुलना करना ही खुद को गलत सा लगने लगता है, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे नाम याद आने लगते हैं जो इन पुरस्कारों को ही संदेह के घेरे में डाल देते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते उनके घुटने का ऑपरेशन करने वाले और मनमोहन सिंह के रहते उनके दिल का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पद्मश्री हो जाते हैं। वित्तीय घोटालों में कुख्यात रहे संत सिंह चटवाल से लेकर फिरौदिया ग्रुप के मालिक तक को पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जनता के उस नायक को नहीं जो असल में इन पुरस्कारों से कहीं बड़ा मुकाम पा चुका है। नेगी जी को आज तक पद्म पुरस्कार न मिलना असल में नेगी जी की नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की हार लगती है। इस पर अभी आगे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया को एक बार समझ लेते हैं। पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया आमतौर पर मई महीने में शुरू होती है। इसके लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय 26 जनवरी पर घोषित होने वाले नागरिक पुरस्कारों के लिए उससे पहले 15 सितंबर तक नाम आमंत्रित करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इन नामों की बारीकी से स्क्रूटनी करने के बाद फाइनल लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने रखती है, जहां से नाम अंतिम तौर पर चयनित होते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी awards.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन होती है। इसके तहत सभी राज्य सरकारें, केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आदि से अपनी पसंद के व्यक्तियों का नाम बताने के लिए कहा जाता है। अब केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए भी नाम सुझाने का विकल्प खोल दिया है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति खुद का नाम भी पुरस्कार के लिए प्रस्तावित कर सकता है। मोदी सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया में किए इस बदलाव के कारण अब गुमनामी में रहते हुए काम करने वाले नायकों को भी ये पुरस्कार मिलने लगा है, जबकि पहले ये पुरस्कार तू मेरा गाल बजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ की तर्ज पर एक खास तबके तक ही सीमित होकर रह गए थे, जिसमें फिल्मी सितारों का बोलबाला रहता था। हालांकि आज भी सरकार के लिए राग दरबारी गाने वालों और माहौल बनाने वालों को यहाँ प्राथमिकता मिलती ही है, लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में अब गुदड़ी के लालों का बोलबाला भी यहाँ बढ़ा है, जो कि वास्तव में प्रशंसनीय है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बार के पद्म पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव आरके सिंह ने सभी मंत्रालयों को टाइमलाइन भेजते हुए 25 अप्रैल को एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि कई लोग अपनी बेहतरीन सेवाओं के बदले पुरस्कार के हकदार तो होते हैं, लेकिन चूंकि उनमें खुद का प्रचार प्रसार करने को लेकर झिझक रहती है, इस कारण वे खुद इस रेस में शामिल नहीं हो पाते। लिहाजा सभी हितधारकों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे लोगों के नाम को खास तौर से आगे बढ़ाएं। इस प्रक्रिया को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड से निश्चित तौर पर किसी न किसी ने तो नेगी जी का नाम पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेषित किया ही होगा। करना तो वैसे ये राज्य सरकार को चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी उतना काम तो प्रदेश गठन से पहले ही कर चुके थे जितने के लिए किसी को पद्मश्री दिया जाता है। लिहाजा उन्हें आज तक पद्म पुरस्कार न मिलना इस प्रदेश की तमाम सरकारों के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। लेकिन यह भी समझना कोई कठिन नहीं कि मौजूदा सरकार ने उनका नाम अगर प्रस्तावित नहीं किया तो ऐसा क्यों किया होगा। उत्तराखंड के समाज समूह ने तो शायद ही इसमें कोई कसर छोड़ी हो। बीते कुछ सालों से तो नेगी जी के प्रशंसकों ने इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया अभियान भी चलाए हैं। तो फिर नेगी जी का चयन न होने के पीछे आखिर क्या वजह है?
कुछ लोग तर्क देते हैं कि पद्म पुरस्कारों के मानकों में डॉक्टर या वैज्ञानिकों के अलावा संबंधित व्यक्ति का सरकारी सेवा में नहीं होना भी एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन नेगी जी का रचनाक्रम तो सरकारी सेवा से छुट्टी पाने के 2 दशक बाद भी जारी है। फिर उनका रचना संसार और उनकी सरकारी सेवा का क्षेत्र भी एकदम अलग रहा है। इससे इतर भी देखें तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां सरकारी सेवा में रहते हुए या उसके बाद लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। इसी साल उत्तराखंड से पद्म अवार्डी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच भी सरकारी सेवक रहे हैं। तो जाहिर है कि सरकारी सेवक का तर्क भी नेगी जी के मामले में तो फिट नहीं बैठता। तो फिर इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें शायद नेगी जी के रचना संसार में थोड़ा और गहराई से उतरना होगा। नेगी जी अब अपने रचना संसार में 50 साल पूरे कर चुके हैं। इस दौरान वो खुचकंडी, गाणियों की गंगा, सियाणियों को समुद्र, मुट्टी बोटी रख, तेरी खुद तेरु ख्याल, तुम्हारी दगड़ राला या गीत और अब जबकि कविता संग्रह जैसी 6 पुस्तकें लिख चुके हैं। उन्हें सैकड़ों गीत लिखने और गाने का भी श्रेय जाता है। उन्होंने दर्जनों क्षेत्रीय फिल्मों को अपने संगीत से सुरीला बनाया है। ऐसा रिकॉर्ड उत्तराखंड में तो कम से कम किसी दूसरे रचनाकार के पास नहीं है। यहाँ हमें गौर करना चाहिए कि चमक, दमक, ग्लैमर, पैसा और सारे अवसर होने के बावजूद उन्होंने अपनी सेवाओं को पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित किया। इस मामले में उनकी नजदीकी तुलना सिर्फ भारत रत्न भूपेन हजारिका से की जा सकती है, जो लोकप्रिय माध्यम से असम के मुद्दे देश दुनिया के सामने लाते रहे। ठीक इसी तरह हमारे नेगी जी बीते 5 दशक से उत्तराखंड के हर हर्ष, उल्लास, दुख, उदासी के क्षणों को आवाज दे रहे हैं। उत्तराखंड में शायद ही कोई जन आंदोलन हो जिसमें नेगी जी के जन सरोकारी गीत न बजते हों। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान तो उन्होंने सरकारी नौकरी को दांव पर लगाते हुए न सिर्फ आंदोलनकारी गीत लिखे बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी भी निभाई। राज्य गठन के बाद से आज तक जितने भी लोग सत्ता में रहे हैं, नेगी जी का व्यक्तिगत योगदान ऐसे तमाम लोगों से कहीं ज्यादा रहा है। और राज्य बनने के बाद भी वे चुप कहां बैठे? इसी चुप न बैठने की आदत के कारण वो यूपी में 3 बार के सीएम रहे और कई केंद्रीय मंत्रालयों को संभाल चुके वयोवृद्ध राजनेता एनडी तिवाड़ी को जब नवोदित राज्य उत्तराखंड को चौपट करते हुए देखते हैं तो नौचम्बी नारायण रचते हैं और उसके बाद जो होता है वो खुद एक इतिहास है। ऐसा ही इतिहास तब भी दोहराया गया जब उन्होंने अब कद का खेल उगाया और उस सरकार को ही बैठा दिया जिसके खिलाफ वे खड़े हुए थे। फिर हमने हाल में मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में भी उनकी अपील का असर देखा, जहां उनके एक संदेश से लोगों ने देहरादून की सड़कों को पाट दिया। राज्य आंदोलन के बाद ऐसा अभूतपूर्व आंदोलन 2 दशकों में पहली बार देखा गया, तो इसमें नेगी जी की दीवानगी और उनके प्रति लोगों का सम्मान भी एक अहम कारण था। वैसे इतनी बात करते करते ही हम इस सवाल का जवाब भी खोज लेते हैं कि सत्ता को इतना असहज करने वाले व्यक्ति पूरी तरह से सत्ता की मुट्ठी में रखे पुरस्कारों के लिए आखिर क्यों चयनित होगा? उनकी चुप न बैठने की आदत ही उन्हें पद्म पुरस्कारों से दूर कर देती है। नेगी जी के संपूर्ण रचना संसार को देखें तो वो हमें कभी खांटी वाम मार्गी नजर आते हैं तो कभी दक्षिण पंथ की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। गौर से देखा जाए तो उन्होंने कभी खुद को एक पक्ष के साथ बांधा भी नहीं। इस मामले में वो खुले विचारों वाले रचना धर्मी नजर आते हैं, किसी एक छोर को पकड़कर नहीं बल्कि हमेशा वक्त की हकीकत के साथ खड़े मिलते हैं। सच को उसी नजरिए से देखने को विवश किसी एक्टिविस्ट की तरह, वो कभी किसी खेमे या कथित विचारधारा के झंडा बरदार नहीं रहे और शायद इसी कारण वो किसी भी सरकार के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो पाए। हमने कई बार देखा कि सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों को चुप रहने की शर्त पर भी पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, बल्कि अक्सर तो इसी शर्त पर दिए जाते हैं। अब ये तो कम से कम साफ ही है कि नेगी जी चुप रहने वालों में नहीं। तो इस तरह पद्म पुरस्कार थ्योरी माइनस नेगी जी को समझा जा सकता है। वैसे कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि नेगी जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसे किसी अवार्ड या पुरस्कार की दरकार भी नहीं, ना ही उन्हें किसी सरकारी अवार्ड की मुहर से मान्यता की जरूरत है, क्योंकि लोग के बीच जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया है वो इससे कहीं बड़ा है। ये तर्क 100% सही भी है। महात्मा गांधी को कभी नोबेल नहीं मिला तो इससे उनका व्यक्तित्व छोटा नहीं हो गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व का असर आज भी ऐसा है कि उनके धुर विरोधी और उनके विचारों के विपरीत राजनीति करने वाले भी जब संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो उनकी समाधि पर दंडवत होना उनकी भी मजबूरी हो जाती है। उत्तराखंड के ही संदर्भ में देखें तो बीते 2 दशक में जिन लोगों को यहाँ पद्मश्री मिला है उनका नाम आपको बिना गूगल किए शायद ही याद आए, जबकि नेगी जी का नाम लोगों के दिलों से लेकर जुबान तक सर्वत्र है। लेकिन जिस 30 का जिक्र हमने इस व्याख्या की शुरुआत में किया था वो उनके प्रशंसकों के मन में इसलिए गहरी धंसती जाती है क्योंकि ये नागरिक पुरस्कार देश की सरकार देती है, वही सरकार जिससे उम्मीदों का खत्म हो जाना किसी समाज के लिए घातक रास्ते ही खोलता है। फिर देश की मौजूदा सरकार तो सबसे लोकप्रिय सरकारों में कही जाती है, जो लगातार उत्तराखंड के एक अति लोकप्रिय नायक को नजरअंदाज कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले की सरकारें करती आई। जैसा कि पहले भी जिक्र आया,
नेगी जी उतना काम तो 90 के दशक में ही कर चुके थे जितने काम के लिए किसी को पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे में उन्हें अब ये पुरस्कार मिलना उनकी नहीं बल्कि इन पुरस्कारों की ही प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। हमारे समाज के लिए तो नरेंद्र सिंह नेगी वो मुकाम बहुत पहले ही हासिल कर चुके हैं जो पद्म पुरस्कारों से अलंकृत विभूतियों के लिए भी किसी सपने जैसे रह जाते हैं। इसलिए उत्तराखंड वासियों के मन की टीस नेगी जी के लिए संवेदना नहीं है बल्कि व्यवस्था और सरकार से कुछ बेहतर करने की उम्मीद रखने वालों की टीस है कि सरकारें अपनों को खुश करने की जगह कभी वास्तविक नायकों को चुन सकेंगी। ये टीस पद्म पुरस्कारों के लिए भी है कि उनकी प्रतिष्ठा और चमक कभी नरेंद्र सिंह नेगी के नाम से बढ़ सकेगी। आज की व्याख्या में इतना ही। जुड़े रहें परामर्श।